सलमान खान, बॉबी देओल और अनिल कपूर की रेस 3 अपने पहले दिन में ही सिनेमाघरों में धमाल मचाना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार रेस 3 छोटे शहरों में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेड पंडितों द्वारा जारी की गई जानकारी की माने तो दर्शक रेस 3 को खूब पसंद कर रहे हैं। सलमान खान की रेस 3 एक मास फिल्म है, जिसके कारण इसकी ऑक्यूपेसी रिपोर्ट जबरदस्त है। छोटे शहरों में मास स्टेटस में रेस 3 की ऑक्यूपेसी रेट 70 से 72% है और मल्टीप्लेक्स वाले इलाकों में फिल्म का ऑक्यूपेसी रेट 25 से 40% रहा है। अगर फिल्म की ऑक्यूपेसी रेट का एवरेज निकाला जाए तो वो उम्मीद के मुताबिक ही है। ऐसे में पहले दिन के आंकड़े धमाकेदार रहने की उम्मीद है। फिल्म को लेकर बॉलीवुड स्टार काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार रात रेस 3 का स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई, जहाँ पर कई स्टार पहुँचे। सभी ने फिल्म को देखा और फिल्म को काफ़ी अच्छा बताया, लेकिन आमिर खान ने फिल्म को नहीं देखा है। दरअसल आमिर खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है, हाय सलमान, मैंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं और मेरी परिवार रेस 3 को बहुत प्यार करेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल तुम्हें बहुत सारा प्यार। मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा और यह एक ब्लॉकबस्टर होने जा रही है और सारी रिकॉर्ड तोड़ेगी। फिल्म रेस 3 में सलमान खान के साथ साथ अनिल कपूर, बॉबी देओल, साकिब सलीम, डेजी शाह, जैकलिन फर्नांडिस और फ्रेडी दारूवाला जैसे कलाकार शामिल हैं। फिल्म का डायरेक्शन रेमो डिसूजा ने किया है, जिनकी सलमान खान के साथ पहली फिल्म है। रेस 3 के बाद सलमान खान और रेमो डिसूजा एक साथ डांसिंग फिल्म लेकर दर्शकों के सामने आएंगे, जिसमें जैकलिन फर्नांडिस और डेजी शाह भी दिखाई देंगी। ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।